तो दोस्तों, सुल्तानपुर से मैं दिल्ली जा रहा था। मगर बीच में हमारा बीटेक का एक खासम खास दोस्त विशालदीप राठौर, जिनके साथ बीटेक में काम और कांड दोनों किए गए हैं, इनसे मिलने आ गया। और ये बगल में रहते हैं, क्या बोलते हैं, जहांगीर के ससुर के मकबरे के सामने जिनको उपाधि दी गई थी एतमाददौला की, तो उन्हीं के मकबरे के सामने हैं, प्रवेश द्वार पे हैं। और ये प्रवेश द्वार अन्य मुगल स्थापत्य कला के समान ही सुंदर, सुसज्जित, अलंकृत है। चलिए अंदर चलते हैं। काफी सुंदर दरवाजा है इसका। यहाँ पे ऐसे तीन तरफ दरवाजे हैं, में भी चौथे तरफ हो, अभी हमें तीन ही दिख रहे हैं। चलिए आपको बताते चलें कि ये हैं कौन और इस मकबरे का ऐतिहासिक महत्व क्या है। वैसे आगरा में इसे बेबी ताजमहल कहते हैं, क्योंकि ताजमहल की प्रेरणा हुमायूं के मकबरे और ये एतमाददौला के मकबरे से ली गई है। सुंदरता में और इसकी नक्काशी में, कई मायनों में या कई चीज़ों में ये ताजमहल से भी अच्छा अलंकृत और सुसज्जित है। जब इस मकबरे को सामने से आप देखेंगे तो एक जैसे बौद्ध धर्म का स्तूपा टाइप का होता है, वैसा है। चारों तरफ छोटी छोटी मीनारें हैं और उस पे छतरियाँ लगी हुई हैं और सब पे स्तूपिका लगा हुआ है। मेन वाले जो एक अलग तरह का, मैंने पहली बार मकबरे में गुंबद देखा जो चौकोर स्क्वायर की तरह है और उस पे चार स्तूपिका है। पहला मकबरा मैंने देखा जिसपे चार स्तूपिका लगे हुए हैं, बाकी चारों मीनारों पे स्तूपिका लगे हुए हैं। अब इसके साथ चलिए इतिहास की बात कर ली जाए। इसका इतिहास ये है कि ये मकबरा जिनका है, ये मिर्जा गयासुद्दीन बेग का मकबरा है। मिर्जा गयासुद्दीन बेग जो हैं, उनकी उपाधि एतमाददौला के तौर पे दी गई थी। जैसा हम जानते हैं कि मुगल काल में राजा या बादशाह किसी से प्रसन्न होकर, किसी के कार्य के प्रसन्न होकर उन्हें एक उपाधि देते हैं, तो इनकी उपाधि थी एतमाददौला, जबकि इनका नाम था मिर्जा गयासुद्दीन बेग। अब भाई, मिर्जा गयासुद्दीन बेग थे कौन? तो ये जहांगीर के ससुर थे, जो नूरजहां थी, नूरजहां थी जहांगीर की वाइफ, मतलब बेगम हिंदुस्तान, उनके पिताजी का ये मकबरा है। और ये 1622 में बनाया गया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में सिर्फ मात्र एक मकबरा है जिसका मकबरा का पूरा बनावट सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। ऐसा कोई मकबरा भारत में नहीं है, इवन ताजमहल भी। ये था कि चारों तरफ दरवाजे हैं, और ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुगल स्थापत्य कला अपनी समानता, मतलब सिमेट्रिक के लिए कितना फेमस है। फिर गयासुद्दीन की जो वाइफ थी असमत बेगम को भी इनके साथ यहीं पे ही गयासुद्दीन बेग के साथ ही यहाँ पे दफन किया गया है। वैसे मकबरे के आकार के तौर से देखेंगे तो ये छोटा मकबरा है, मतलब यदि ज़मीनी आकार के तौर पे देखेंगे, और मकबरे का आकार भी उसका छोटा है। मगर इससे जैसा सुसज्जित मकबरा आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा। ये भारत में एक और ऐसा मकबरा है जिस मकबरे में मतलब हीरे जवाहरात और टोपाज वाले सारे जड़ी मतलब रत्न लगाए गए थे। अभी कुछ हैं भी, कई तो
अंग्रेज उसके बाद आए थे ना, उठा ले गए। और यहाँ पे यदि आपको आना है तो आप यमुना एक्सप्रेसवे से जब उतरेंगे रामबाग की तरफ, तो वहाँ से 6 से 8 किलोमीटर मोतीबाग पड़ता है। मोतीबाग के मेन रोड पे ही आपको ये एतमादौला का मकबरा मिल जाएगा। ये तो आपको बताने की, आप देख ही सकते हैं इतनी खूबसूरत ये मकबरा है, और यूनिक मकबरा है, काफ़ी यूनिक है। ये इसका जो दक्षिणी द्वार है, दक्षिणी द्वार एकदम ताजमहल के तरह ही यमुना नदी के किनारे ये गेट है, और उसके चार दीवारी से आप यमुना जी का दर्शन कर सकते हैं। अभी तो काफ़ी कम पानी है, भैंसे सिर्फ दिखाई दे रही हैं, और सामने ये जवाहर पुल है। जय यमुना मैया। चलिए अब चलते हैं मुख्य मकबरे के अंदर, देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। और बहुत भयंकर गर्मी है, और गर्मी से पता लग रहा है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या कम क्यों है। अदरवाइज़ यदि सही मौसम में आए, मतलब ठंडे मौसम में आए, ठंडी में आए, तो अच्छे खासे पर्यटक यहाँ पर आते हैं। मुग़ल मकबरे की तरह ही ये मकबरा भी चार बाग प्रणाली से बनाया गया है। चारों तरफ मतलब दो दो बाग हैं, मतलब चारों तरफ बाग हैं, और चारों बाग का जो छोर है उस पर शानदार कलाकृतियों के साथ, जैसे बोतल टाइप के चीज़ें बनी हुई हैं, और चार दरवाजे हैं। और देखिए, जैसा बताया कि स्क्वायर फॉर्म का पहला गुंबद मैंने देखा है किसी मकबरे पे, तो सिंगारदानी का जो ढक्कन होता है जिस तरह से, देखिए वैसा ही है कि उस पे से खोलने के बाद सिंगार के लिए सारे सामान अंदर रखे होंगे। तो ज्वेल बॉक्स जैसा कहा गया है, उस नाम को ये सार्थक करता है, ये जो डिज़ाइन है, ये जो सामने दिख रहा है। और हम जानते हैं कि सिंगारदानी हमेशा ही सुंदर ही होता है, और ये भी लाजवाब सुंदर है, लाजवाब। जैसा कि एक ये इमारत नूरजहां, मतलब एक बेटी द्वारा बनाया गया अपने माँ बाप के याद में, यहाँ पे एक बासी हैं, वो भी प्यार करते अपने पासे। तो हम एतमादौला के मकबरे से निकल रहे हैं, क्योंकि यही सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, यही सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं, तो यही दरवाज़ा से आप प्रवेश करेंगे, यही दरवाजे से आप बाहर निकलेंगे। अगर आप इस जगह आ रहे हैं तो अपनी पानी की बोतल साथ लेके आइए, क्योंकि अंदर यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। और बाहर निकलते ही आपका टिकट इनवैलिड हो जाएगा, तो 20 रुपया का पीछे खरीदना पड़ेगा।
Thank you.